गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सिस्टम ऑफ सी आर इंटरनेशनल स्कूल हाई यू डी स्टूडेंट आई होप यू आर फाइन अभी कल आपकी कुछ क्वेरीज थी वी आर जस्ट गोइंग टू क्लियर दोज क्वेरीज़ हम उस क्वेरीज़ को क्लियर कर लेते हैं ओका ठीक है और वो आज आपके लिए वो जो कल मैंने जो क्वेरीज आपने नोटिस की थी आपकी वो सारी इसके अंदर कवर हो जाएंगी अभी हमने कल जो डिस्कस किया था नेशनलिज्म इन यूरोप हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो बदलाव आए चेंजेज़ आए उनके बारे में हमने डिस्कस किया था आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे नेपोलियन बोनापार्ट के जो 1804 कोड ऑफ सिविल कोड थे उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आपका ठीक है आज का टॉपिक हमारे पास नपोलियन कोड के बारे में है बिफोर स्टार्टिंग इट लेटेस्ट डिस्कस अपडेट अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब आपने डिस्कस किया था सबसे पहले मोनार्क लुइस सिक्सटीन का राज था फिर हमारे पास नेशनल असेंबली बनती है नेशनल असेंबली बनने के बाद फिर से आपका जेकोबिन क्लब्स जो होते हैं वो पावर में आते हैं जेकोबिन क्लब्स के बाद फिर से जब अपने क्लब्स को हटा के आपका एक डायरेक्टरी बनाई जाती है और डायरेक्टरी के जो फाइव मेंबर्स थे या डायरेक्टरी के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में लड़ते रहते थे तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो नेपोलियन बोना पार्ट है वो 1799 के अंदर आपका रूलर्स बन गया था फ्रांस का ठीक है ही बिकेम द रूलर्स ऑफ द फ्रांस इन सेवनटीन ही कनकर लार्ज एरिया ऑफ द यूरोप उसने क्या गया उसका एम्पायर बहुत बड़ा उसने बहुत सारे जो आसपास के क्षेत्र थे रीजन थे ही कंकर्ड ऑल दिस रीजन एंड मेक इज ऑन एम्पायर सोलार तो उसका एम्पायर बहुत बड़ा हो गया था आपका अब इतना बड़ा एम्पायर होने के कारण क्या थे वाई द पीपल एक्सेप्ट वो अपने आप में एक डिक्टेटर था डिक्टेटर होने के बाद भी लोगों ने इतने ज़्यादा उसको राज करने क्यों दिया क्या कारण थे तो दैट वर इज द ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स विश वर लिंक्ड बाय द एक्चुअली ही इंट्रोड्यूस मैनी मैनी रिफ़ॉर्म्स उसके कारण क्या थे उसको एक्सेप्ट करने के कारण क्या था भाई वो एक डिक्टेटरशिप होने के बावजूद भी लोगों ने उसको इतना ज़्यादा पसंद किया तो उसका कारण क्या था आपका ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफ़ॉर्म्स इं टू द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स इन टू द सोसाइटी बहुत सारे उन्होंने रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था और इसी इंट्रोडक्शन की वजह से ही जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो इतने बड़े क्षेत्र पर अपना साम्राज्य बनाने में कायम हुआ था आपका ठीक है दे आर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय म आर कॉल्ड द सिविल कोड ऑफ एटीन जीरो फोर उसने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे उन्हीं रिफॉर्म्स को क्या कहा जाता है सिविल कोड ऑफ एटीन जीरो फोर अभी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय द नेपोलियन क्या नेपोलियन बोना पार्ट के द्वारा कौन से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे लेटेस्ट डिस्कस अबाउट नेपोलियन डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी बट मेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड रेशनल एंड एफिशियंट देखिए अब अब सबको पता है आपका जो नेपोलियन बोना पार्ट बना था उसने डेमोक्रेसी को हटाया था यानी जो मैंने अभी बोला कि डायरेक्टरी जो डायरेक्टरी जो थी उसके में हटाकर ही वो राजा बना था आपका उसने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया लेकिन फिर भी उसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि अपने प्रशासन को चलाने के लिए कुछ ऐसे रूल्स निकाले जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव थे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आपका असरदार साबित हुए और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आए इसीलिए वो इतने लंबे समय तक राज कर पाया फ़र्स्ट क्या क्या था उसने अबोल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ आपने जैसे पढ़ा था आपका पहले की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि राजा के बेटे को ही राजगद्दी मिलती थी और नोबेलिटी में जो जन्म ले लेता था, था उसको सारे फैसिलिटीज़ दी जाती थी आपका तो ये सब क्या था आपका दिस ऑल वॉज प्रिविलिज ये प्रिवलिस्ड जो क्लास था उसको उसने ख़त्म कर दिया बोला कि जन्म सिर्फ किसी फैमिली में जन्म लेने से उनको अधिकार मिल जाए ये गलत है तो उसने क्या किया कि जो प्रिविलेज मिलेंगे आपका वो उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए तो उसने अबोलिश कर दिया इस चीज़ को कि भाई किसी को जन्म के आधार पर कोई भी आपका प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा ही ऑल दिस सेकेंड वन इस्टेब्लिश इक्वेलिटी बिफोर द लोम दूसरा अब जब उस वो समाज हम देखते हैं आपका फ्रेंड्स उस समय का तो उस समय क्या होता था कि किसी को राजा के लिए अलग से रूल्स बनते थे आपके ट्रेडर्स जो होते थे उनके लिए अलग से रूल होते थे आपके फार्मर्स पीजेंट्स होने उनके लिए अलग से रूल होते थे आपके बिजनेसमैन के लिए अलग से रूल थे कि हर एक वर्ग के लिए मीन्स फॉर एवरी कम्युनिटी देर वॉज अ डिफरेंट रूल उसी चीज़ के लिए एक ही क्राइम अगर मान लो कर देते तो उसके लिए डिफरेंट रूल होते थे हमारे पास लेकिन नेपोलियन बोना पार्टी चीज को हटाया और उसने क्या किया उसने सबको क्या बोला कि कानून की नज़र में सब बराबर है दैट इज़ इक्वेलिटी बिफोर द लॉ ही इंट्रोड्यूस्ड देयर कि अगर कोई भी है चाहे वो आपका चाहे वो राजा है चाहे वो आपकी प्रजा के अंदर बिजनेस है ट्रेडर है ठीक है नोबेलिटीज़ है या चर्च के पादरी हैं सब लिए रूल क्या होंगे आपके बराबर रहेंगे आपके थर्ड वन क्या किया उसने होगा फ्यूडियल सिस्टम सैर एंड द मोनारियल ड्यूज वर अबोल के साथ उसने क्या किया आपका फर्स्ट फ्यूडल सिस्टम जो पुराना सिस्टम चला आ रहा था आपका फ्यूडल सिस्टम मैंने अपने पहले पहले भी डिस्कस किया था आपका फ्यूडल सिस्टम ओल्ड रिजाइम जो सिस्टम था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया दूसरा सैर फ्रीडम का मतलब यहाँ पे आप लगा सकते हैं आपका कि पहले जो बड़े राजा महाराजा होते थे तो लोगों को अपने अंडर में दास बना कर रखते थे तो दास प्रथा कह सकते हैं आप इसको उसको क्या किया गया सैरफंडम को ख़त्म किया गया मनारियल ड्यूज़ इसके साथ साथ थे, जो प्रजा को राजा को या फिर उनके सीनियर्स को जो भी टैक्सेस वगैरह देने होते थे उनको क्या कर दिया गया ख़त्म कर दिया गया यानी कि अब इस तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा आपका ठीक है ये सब चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी डिल रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव इसके साथ साथ क्या था आपका जो ट्रेडर्स होते थे बिजनेसमैन होते थे वो क्या करते थे अपनी एक एसोसिएशन बनाते थे जिसको गिल्ड कहा जाता था ठीक है तो उस गिल्ड पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाते राजा उनको बनाने नहीं देते थे उनको ऑपरेशन में नहीं आने देते थे सो so, जब बोन, नेपोलियन बोनापाट जब किंग बना तो उसने सिविल कोड में इंट्रोड्यूस किया कि भई हमारी कंट्री का जो इकॉनॉमी है वो ट्रेड पर चलती है एंटरप्रेनर्स पे चलती है आपका बिजनेस मैन उन पर चलती है तो ही रिमूव द रिस्ट्रिक्शन ऑन द गिल्ट तो उसने बोला कि गिल्ट बनाने के लिए कोई भी किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो भी लोग अपने एक जैसी संस्था को मिलजुल कर अपनी संस्था बनाना चाहते हैं बना सकते हैं देर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इट नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूविज के साथ साथ अपने सिस्टम दे को देखो सिंपल सी बात है अगर मुझे राज करना तो मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए एक सेकंड में मेरा अगर इन्फॉमेशन मेरी दूसरे लोग तक तो पास हो जाती है तो मैं बड़े आराम से मेरे पास इन्फॉर्मेशन पास होना स्टार्ट हो गया तो इसके उसने तो क्या किया अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया यातायात के साधनों को विकसित किया इसके साथ साथ अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया ताकि उसका जो राज है वो इफेक्टिवली चल सके देन स्टैंडर्डाइज वेट एंड द मेजर्स इसके साथ साथ जो उस समय फ्रांस की अगर हम बात करें या उस समय यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर वेट करने के लिए अलग अलग मेजरमेंट होते थे जैसे मे लोग कह सकते थे आपका कि कहीं पर आपका जैसे मान लिया कि एक किलो का वेट इतना था कहीं पर कुछ और था तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन थे इनके अंदर आपका क्लियर कि जैसे मुझे एक किलो चाहिए तो बोला भाई ये मार्कर एक किलो के बराबर है इसके बराबर तोड़ के दे दो किसी जगह ये होता था या फिर कहीं पर दूसरी जगह पर गए तो बोला नहीं सर ये ढक्कन जो है सिर्फ ये सिर्फ यही हमारा क्या आपका एक किलो के बराबर है तो ये वेटिंग सिस्टम क्या था आपका डिफरेंट था तो उसने किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए सबके लिए वेटिंग सिस्टम पूरे जो उसकी टेरिटरी रहेगी उस टेरिटरी के अंदर क्या रहेगा आपका सिंपल एक वेटिंग सिस्टम मेजरमेंट जो रहेंगे आपके सारे आपका मेजर जो थे आपके वो सारे क्या रहेंगे एक जैसे रहेंगे इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए इसके साथ साथ यूनिफॉर्म लॉज एंड कॉमन नेशनल करेंसी इसके साथ साथ सभी के लिए एक जैसे रूल बनाए ऑफिशियल्स के लिए बिल्डिंग्स के लिए ऑफिसर्स के लिए ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए आम जनता के लिए एक जैसे रूल्स बनाए इसके साथ साथ पूरे कंट्री के अंदर जो अलग अलग तरह की करेंसी होती थी जो अलग अलग करेंसी होती थी उसको उसने क्या कर दिया यूनिफॉर्म कर दिया एक जैसा बना दिया भाई पूरे हमारा मेरा जो साम्राज्य है नेपोलियन कोड ने बोला जो मेरा जो साम्राज्य रहेगा उसमें जो करेंसी चलेगी वो आपके सिंपल एक चलेगी तो उसने क्या किया यूनिफॉर्म करेंसी कर दी तो जहाँ जहाँ उसका राज था वो क्या किया गया उसने अपनी करेंसी एक जैसी बनाई तो ये रिफॉर्म्स सारे हमारे कहलाते हैं नेपोलियनिक कोड ऑफ एटीन इसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है और इसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है आपका जो इंट्रोड्यूस किए गए थे नेपोलियन बोनापार्ट के बाद देखो इतने अच्छे रिफॉर्म्स करने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट फिर भी उसको हरा दिया गया वाटर के अंदर रीजन क्या था व्हाट वॉज द रीज़न देखो क्या था इसमें आपका द रीज़न इज आई हैव रिटन हेयर कॉजिज ऑफ द नेपोलियन फॉल्स क्या कारण थे जैसे नेपोलियन ने फ्रांस पे अपना अधिकार कर लिया उसने अपने जो रिफॉर्म्स थे वो इंट्रोड्यूस कर दिए तो लोगों को शुरू में लगा कि ही हैज़ इंट्रोड्यूस वेरी गुड रूल्स उसने क्या बोला कुछ रूल्स बहुत अच्छे इंट्रोड्यूस किए नो डाउट द रूल्स वर वेरी गुड लेकिन आर्मी जो थी आपकी जो फ्रेंस की आर्मी दूसरे कंट्रीज में जाते थे उनको हारबिंग क्यों क्योंकि लोग उनको इनवाइट करते थे कि भाई फ्रांस का जो लीडर है नेपल उन पर आक्रमण करें और उन पर अटैक करें अटैक करने के बाद उनको अपने अंडर में कर ले और उनके लिए वैसे ही रूल लागू कर दे जैसे आपके फ्रांस में लागू करता था आपका तो देवर द पीपल ऑफ द यूरोप अंडरस्टैंड द आर्मी ऑफ द फ्रांस एज अ हार्बरिंगर ऑफ द लिबर्टी उनको लगता था कि जब नेपोलियन बोनापार्ट हम पे राज कर लेगा तो हम लोगों को क्या मिल जाएगी आज़ादी मिल जाएगी वी विल बिकम लिबर्ट हम क्या बनेंगे लिबर्टी हमें मिलेगी आपकी सोन एंथर्न इन टू द हॉस्ट लेकिन धीरे धीरे ये जो लोगों का उत्साह था वो एक दुश्मनी में बदलता चला गया दुश्मनी में बदलने का कारण क्या था आपका कुछ उसने मेजर किए थे क्या उसने रूल्स इम्पोज किए थे इंक्रीज द टैक्सेशन अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जहाँ जहाँ पे अपना साम्राज्य बनाता चला गया वहाँ वहाँ पर अपनी डाइनसिटी के लोगों को इस्टेब्लिश करता चला गया और सिस्टम को प्रॉपर चलाने के लिए इनकम की जरूरत होती है तो इनकम के लिए उसने क्या किया जहाँ जहाँ उसका सामना था उस पर क्या करें टैक्स को बढ़ा दिया लोगों को लग रहा था कि ही इज ही हैज़ इंट्रोड्यूस वेरी गुड रूल्स लेकिन उसने क्या किया अपने इनकम को बढ़ाने के लिए लोगों पर टैक्सेस को बढ़ाना शुरू कर दिया नेक्स्ट वन इज़ सेंसरशिप अब सेंसरशिप क्या था लोग अपनी मर्जी से कोई कम जो लहाँ पे लोग अपने आप को समझते थे कि वो दे आर लिबरल लिबर्टी उनके पास आई है लेकिन ऐसा होने लगा कि बिना सेंसरशिप के सेंसरशिप का मतलब मतलब होता आपका कि बिना परमिशन के कोई भी काम नहीं होगा बिना नेपोलियन बोनापार्ट या उसकी आर्मी के जो ऑफिशियल्स थे उनकी मर्जी के बिना उनकी परमिशन के बिना कोई भी किस तरह काम नहीं किया जाएगा आपका ठीक है नेक्स्ट वन एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पोलिटिकल फ्रीडम अब उसने एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट तो बहुत अच्छी कर दी लेकिन जिस कंट्री के अंदर पॉलिटिकल अरेंजमेंट अलग था पॉलिटिकल फ्रीडम जो थी वो लोगों को नहीं दी गई इसकी वजह से क्या हो गया लोग उससे नाराज़ होते चले गए और उसके खिलाफ होते चले गए नेक्स्ट वन एक सबसे बड़ा कारण जो था आपका फोर फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इन द फ्रेंच आर्मी इसके लिए उसने क्या किया जो आर्मी जो आ, उसका साम्राज्य था सा, उसके अंदर जितने भी लोग आते थे या जितने भी उसके रीजन आते थे उनके अंदर रहने वाले लोगों के लिए एक फ़ोर्सफुली ये इम्पोज़ कर दिया कि जो भी इस साम्राज्य में आता है उसको आर्मी को ज्वाइन करना ही पड़ेगा जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया क्योंकि उसको अपना एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा करना था और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना था आर्मी और पैसा दोनों ही चीज़ों की जरूरत होती थी उसने आर्मी में लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती करना शुरू कर दिया और दूसरा लोगों पे टैक्सेशन बढ़ा दी और इससे क्या हुआ लोग उसे नाराज़ होते चले गए और इसीलिए वो आपका 1815 के अंदर जो वोटर की लड़ाई है उसमें वो हार गया इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आपका नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में हाउ दिस एमर्ज कैसे हुआ ये हमने सब डिस्कस किया अभी तक फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया है फ्रेंच के बारे में डिस्कस किया है तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपको फिर ये आगे चीज़ें कैसे बढ़ी है हम अगले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे आई होप यू गॉट इट अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ मेक श्योर आप मुझे कॉल कीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा यू विल गेट आंसर ऑफ योर questions that's all for the day see you next time bye see you